नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे इंडिसेस के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो इंडेक्स। कई बार आपने सुना होगा कि आज मार्केट ऊपर गया है या फिर मार्केट नीचे गया है। मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया है या फिर स्टॉक मार्केट आज नीचे गया है। तो उनको पता कैसे चलता है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया है फिर नीचे गया है, और ये इंडेक्स या फिर इंडिसेस, सेंसेक्स या फिर निफ्टी, ये होता क्या है? तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इंडेसिस या फिर इंडेक्स क्या होता है और इसका हम यूज़ किस लिए हम कर सकते हैं। देखिए, इंडेसिस या फिर आप इंडेक्स जो बोलते हो, वो एक तरीके की लिस्ट होती है, वो एक तरीके की लिस्ट होती है जिसके अंदर कुछ कंपनीज़ को रखा जाता है। जैसे अब हमें पता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में मेनली दो हैं, कौन कौन सी हैं? NSE और BSE। ये इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं मेन। अब यहाँ पर भी क्या हैं, कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, है ना, लिस्ट है ना, अभी बहुत सारी कंपनीज, 1, 2, 3। तो टोटल मिलाकर NSE पर 1700 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और BSE पे 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। ठीक है, अब इतनी सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, NSE पे, BSE पे, तो अब NSE और BSE क्या करती है, इनकी ने एक लिस्ट बनाती है। अब BSE ने क्या करा, जो इनके पास ये जो कंपनीज हैं उनमें से इन्होंने छाटा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनमें से 50 कंपनीज़ ऐसी कौन सी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, मतलब जिनकी मार्केट में वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, उनकी हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो NSE ने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट का नाम रखा निफ्टी। उस लिस्ट का नाम क्या रखा? निफ्टी। NSE ने कहा कि हमारे एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से जो 50 कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, हम उनको इस लिस्ट में रखेंगे। तो निफ्टी में टोटल कितनी कंपनीज हैं? 50। कितनी कंपनीज हैं? 50। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा सेंसेक्स है, उसने क्या करा, सेंसेक्स ने बोला ठीक है, हम भी एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट का नाम होगा सेंसेक्स। क्या नाम होगा? सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में BSE ने कहा कि हमारे यहाँ पर, हमारे एक्सचेंज पे जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से 30 कंपनीज निकालेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर ये निफ्टी जा रहा है, निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसके अंदर जो 50 कंपनीज हैं उनकी वजह से। देखिए, निफ्टी को कुछ नंबरों की मदद से दिखाया जाता है, ठीक है, कि अच्छा जो हमारा निफ्टी है वो 11,000 पॉइंट पर है, ठीक है, या फिर 12,000 पॉइंट पे है। तो जो पॉइंट्स हैं वो इन कंपनीज़ के ही हैं। अगर ये ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 50 कंपनीज हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इनकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वो यही कहा जाता है कि ये कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही हैं, मैंडून वगैरह इनका अच्छा है ना, तभी हमारा जो निफ्टी है वो ऊपर जा रहा है। सेम एज जो हमारा सेंसेक्स है उसके साथ भी होता है। तो निफ्टी या फिर जो हमारा सेंसेक्स है वो क्या है, वो एक लिस्ट है, और स्टॉक मार्केट में इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो जो निफ्टी इंडेक्स है और जो सेंसेक्स इंडेक्स है, अगर ऊपर जा रहा है तो आप ये कह सकते हो कि हमारे देश की जो इकनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। क्यों? क्योंकि इकनॉमी अच्छा परफॉर्म तभी करेगी जब बिजनेसेस अच्छे चल रहे होंगे। तो अगर बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, है ना, और वो निफ्टी और वो बिजनेसेस अगर निफ्टी में अगर ऐड हैं, तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी ऊपर जाएगा,
और सेम एज जो हमारा सेंसेक्स है उसके साथ भी है। तो उसी तरीके से जो हमारा एनएससी है और जो बीएससी ने जो हमारा बीएससी है इसने बहुत सारी लिस्टें बना रखी हैं, बहुत सारी, मतलब निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में क्या है कि 50 कंपनीज़ जो जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो 50 कंपनीज़ वो एनएससी की होनी चाहिए, मतलब एनएससी पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उनमें से निकाली गई है। उसी तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 है। अगर मुझे ये जानना हो कि ये बताइए कि 100 कंपनीज़ जाननी हो मुझे, ठीक है, जिनकी मार्केट वैल्यू सब ज़्यादा हो एनएससी की, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है वो देख सकते हो, निफ्टी 500 देख सकते हो, निफ्टी 500 आप देख सकते हो, निफ्टी 500। इस तरीके से आपको अलग अलग आपको इंडेक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेंसेक्स आपको मिल जाता है, सेंसेक्स 50 आपको मिल जाता है, ठीक है, सेंसेक्स 100 मिल जाएगा, 500। इस तरीके से आपको लिस्ट देखने को मिलती है। तो इन्हीं इंडेक्स को हम बोलते हैं इंडिसेस, मतलब आप इनको इंडेक्स भी बोल सकते हो और इंडिसेस भी आप उसको इनको आप बोल सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिसेस होते क्या हैं, अब इनकी एप्लीकेशंस मतलब इनका काम क्या है। तो इनकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि जो कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर यही इंडेक्स ऊपर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ कि शेयर बाज़ार अच्छा, मतलब आज अच्छा गया है, आज ऊपर गया है वो, ठीक है। अगर यही जो हमारे सेंसेक्स या फिर जो है निफ्टी अगर नीचे जाएंगे, ठीक है, तो उसका मतलब कि आज मार्केट हमारा नीचे गया है। तो अगर हम अभी की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेंसेक्स है वो करीब 52,000 पॉइंट्स पे चल रहा है वो। अगर वो इसके नीचे जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ कि जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाएगा जैसे 53,000 पे जाएगा तो उसका मतलब कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन्हें हम मार्केट इंडेक्स भी हम बोलते हैं। और इनके बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि जो बीएससी के जो इंडेक्स है वो कौन सा है, सेंसेक्स, और निफ्टी किसका है, एनएससी का, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अब देखिए सेंसेक्स के आगे ना आपको सेंसेक्स के आगे आपको मिलेगा ये एसएनपी, ठीक है। ये एसएनपी का मतलब क्या है, ठीक है, आप अगर जो हमारी बीएससी है बीएससी के वेबसाइट पर जाओगे तो जितने भी इंडेक्स हैं उनके आगे आपको लिखेगा ये लिखा हुआ मिलेगा आपको एसएनपी, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। अब देखिए जो निफ्टी वगैरह है, ये जो बीएससी वगैरह है, ये उनके बस की बात नहीं कि उनको बना पाएँ, ठीक है। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनको बना पाती हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास ये लाइसेंस होता है कि हाँ कि वो इस तरीके के जो काम करती हैं। तो बीएससी के जितने भी इंडेक्स हैं वो इन्होंने बनाए हैं, इसीलिए बीएससी के जितने भी इंडेक्स हैं उनके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा एसएनपी। इसी तरीके से जो हमारा निफ्टी है, तो निफ्टी मतलब जो हमारा एनएससी है, एनएससी के जितने भी इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी होगा, निफ्टी 100 हो गया, तो उनको बनाया है इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने, IISL ने, ठीक है। अब ये जो हमारे इंडेक्स हैं इनको भी बनाने के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कुछ एक तरीके ऐसे हैं जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, मतलब आमतौर पे उनका ज़्यादातर यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इंडिसेस के जो यूज़ हैं उनको हम थोड़ा सा और डीप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इंडिसेस एक तो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन कि जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। दूसरा हम इसका यूज़ कर सकते हैं बेंच मार्किंग के लिए। अभी बेंच मार्किंग क्या है इसको हम थोड़ा हम समझते हैं। देखिए बेंच मार्किंग समझ लीजिए कि एक तरीके से हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ये आप हैं, ये
आप हैं, और ये आप स्कूल या फिर ठीक आप स्कूल में थे क्लास 10th में, ठीक है। आपके मोहल्ले में सिर्फ आप अकेले 10th क्लास में हो, ठीक है, और कोई है ही नहीं। आपके मार्क्स आ गए 60%, ठीक है। तो क्या आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहेंगे? बताइए, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब आपको डांटेंगे भी नहीं कि आपके मार्क्स क्यों आए। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में और भी लड़के हैं, ठीक है, मोहल्ले को छोड़े क्या था, स्कूल में लीजिए कि वो स्कूल चले गए और उन्होंने देखा कि यार बाकी बच्चों के 70-80% मार्क्स आए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपको डांटेंगे, ठीक है, गुस्सा करेंगे कि तूने क्या कर दिया, ठीक है। इससे बड़े देख इसके 70% मार्क्स आए, इसके 80% मार्क्स आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंपेयर करा आपको आपके दोस्तों से, यानी कि देखो उनको उनको अगर आपको कंपेयर करना था तो उनको कुछ कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी जिससे उन्हें जिससे वो आपको कंपेयर कर सके। तो यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो बेंच मार्क है वो आपके दोस्तों के लिए, वो आपके दोस्तों के लिए आपको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये लोग कौन हो गए, ये लोग हो गए बेंच मार्क हो गए। बेंच मार्क वो चीज़ होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको, ठीक है। वैसे बेंच मार्किंग का मतलब यहाँ पे अब समझ गए होगे, जैसे अब मुझे मेरे पास 60,000 रुपये है, ठीक है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मतलब कहाँ पे लगाऊँ जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट मिलता रहे। तो मुझे सिर्फ FD के बारे में पता है, तो मैं गया और मैंने FD करा दी जहाँ पे मुझे 6% मिल रहा है ब्याज, मैं खुश हूँ, ठीक है। लेकिन अब कहीं से मुझे पता चल गया, ओहो स्टॉक मार्केट भी एक दुनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन है आपके पास FD, और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, स्टॉक मार्केट, किसी ने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आपने कहा यार अगर 60,000 रुपये में FD में अगर लगाता हूँ, मतलब FD में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे 6% मिल रहा है। लेकिन अगर यही पैसा मैं अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, तो वहाँ पे मुझे यहाँ तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 15%, 20%, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने करी बेंच मार्किंग, आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था आपने कहा कि कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ या फिर यहाँ लगाऊँ। अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बेंच मार्क वो क्या हो गया, FD हो गया। अगर FD के अगर हम अगर FD के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो जो हमारा बेंच मार्क वो क्या हो गया, स्टॉक मार्केट। तो बेंच मार्किंग क्या होती है कि हमें कोई एक चीज़ चाहिए होती है जिससे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है, कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई दो चीज़ चूज़ करनी हो, कोका कोला या फिर लिमका, ठीक है, बोतल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आपको जो लिमका है वो आपको ज़्यादा पसंद है या फिर कोका कोला, तो आप बोलोगे कि कोका कोला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि उससे जो गैस वगैरह है कहते हैं वो नहीं होती वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा, यहाँ पर आपने बेंच मार्किंग करी, ठीक है। आपने बोला कि अच्छा कि अगर मैं लिमका पीऊँगा तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कोका कोला, हो सकता कोई और चीज़ हो जो इससे भी ज़्यादा बेटर हो, है ना। तो बेंच मार्किंग में क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं। तो स्टॉक मार्केट तो जो हमारी जो इंडिसेज है वो भी हमारी बेंच मार्किंग में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अब मेरे पास 60,000 रुपये है, ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला कि मैं SBI के शेयर खरीद लूँ, दूसरा कि मैं निफ्टी में पैसा लगा दूँ, ठीक है। निफ्टी में भी हम पैसा लगा सकते हैं। अब उसके दो ऑप्शन है, एक तो है हमारा ETF, ठीक है, और दूसरा है कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएं, ठीक है, म्यूचुअल फंड। तो ये दो ऑप्शन होते हैं डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट करने के।
और भी होता है अगर आपको ट्रेडिंग करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन उस बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अब आपको ऑप्शन मिला कि आप निफ्टी में पैसा लगाओ या फिर आप SBI के आप शेयर खरीद लो। आपने कहा यार निफ्टी तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे न वो एवरी ईयर कम से कम 10% का रेट तो दे रहा है, और SBI का अगर आपने देखा शेयर वो आपने देखा कि वो तो दे रहा 15%, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बेंच मार्किंग करी, आपने निफ्टी इंडिसेस को आपने एज ए बेंच मार्क आपने लिया कि अच्छा इसके कंपेयर में तो ये ज़्यादा बेटर है, इसके कंपेयर में तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है अगर आप एच डी एफ सी बैंक का जो शेयर है अगर आप उससे कंपेरिजन करते हैं, तो हो सकता है कि जो हमारा HDFC है वो ज़्यादा बेटर निकलता, ठीक है। तो बेंच मार्किंग अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स को भी हम खरीद और बेच सकते हैं, जैसे कि एक एक शेयर होता है ना, जैसे SBI का अगर शेयर है 100 रुपये का, ठीक है, तो मैं एक एक शेयर, दो शेयर, पांच शेयर, 10 शेयर में खरीद सकता हूँ। उस तरीके से मैं इंडेक्स भी मैं खरीद भी सकता हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि इंडेक्स अभी जो हमारा निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी अगर मेरा अभी 11,000 पॉइंट पे चल रहा है, तो यानी कि एक निफ्टी मुझे 11,000 रुपये का मिलेगा, एक निफ्टी, ठीक है। लेकिन निफ्टी इसकी जो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो हमारी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। तो हम इंडेक्स में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी आप उसमें मत जाइए क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं आपके लिए है, क्योंकि अभी आप सिर्फ अभी बेसिक समझ रहे हो आप मार्केट का। पोर्टफोलियो हेजिंग अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको सिर्फ अभी पोर्टफोलियो का मतलब समझाता हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा मार्केट में कि उसका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास SBI का शेयर है, HDFC का शेयर है, और रिलायंस का शेयर है, मेरे पास बंधन बैंक का शेयर है, ठीक है। तो मैंने खरीद रखे हैं, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में ये सिक्योरिटीज़ हैं। तो जब भी मैं बोलूँ सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ में शेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। बॉन्ड्स भी एक तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक, जैसे शेयर होता है ना डॉक्यूमेंट, उस तरीके से बॉन्ड भी एक डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन उसके थ्रू क्या करते हैं, हम लोगों को पैसा उधार देते हैं, वैसे लोगों को नहीं, जो गवर्नमेंट होती है, फिर जो कंपनीज होती हैं, हम उनको पैसा उधार पर देते हैं। तो जब भी बोलूँ मैं सिक्योरिटीज़, तो उसमें शेयर भी आ जाएगा, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी आ जाएंगे, बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर SBI की सिक्योरिटी है, HDFC की है, रिलायंस की है, और बंधन बैंक की है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो भी क्या हो गया, पोर्टफोलियो समझ लो एक तरीके की आपकी पॉकेट हो गई, फिर आपका बैग हो गया, जिसके अंदर आपने बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं बहुत सारी हो, सकता है एक हो, है ना, और उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो, मतलब आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि SBI, HDFC और रिलायंस और बंधन बैंक, वो मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पोर्टफोलियो हेजिंग अभी नहीं आएगा आपके समझ में, ये मैं जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन हम करेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डीप में समझाऊंगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि ये इंडेक्स बनता कैसे है, इंडेक्स बनता कैसे है, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी कंपनी की वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलूं कि बंधन बैंक, ठीक है, बंधन बैंक है, ठीक है, और मुझे जानना हो कि बंधन बैंक की मार्केट वैल्यू क्या है, इस कंपनी को अगर मुझे खरीदना हो, ठीक है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, अगर मुझे इसको खरीदना है तो वो जो अमाउंट होगा सब क्या बोलोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है।
तो जो इंडेक्स, अब हम ये समझते हैं कि इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। तो होता यह है कि जब भी एनएससी को या फिर बीएससी को, एनएससी या फिर बीएससी को लिस्ट बनानी होती है निफ्टी की या फिर सेंसेक्स की, तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में 50 कंपनीज आती हैं, तो 50 ऐसी कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो उन 50 कंपनीज को निफ्टी वाली जो लिस्ट है उसके अंदर डाल दिया जाता है। यानी निफ्टी में आपको सिर्फ वही 50 कंपनीज मिलेंगी जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उन कंपनीज में से जो कि एनएससी पे लिस्ट हैं, तो एनएससी पे एग्जांपल लेते हैं कि 2000 कंपनी लिस्ट हैं। ठीक है, तो हमने 2000 कंपनीज की हमने मार्केट वैल्यू निकाली, तो उनमें से 50 की हमने, और 50 हमने ऐसी छाटे जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको हम डाल देंगे निफ्टी वाले, निफ्टी वाला जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर। सेम एज जो हमारा बीएससी है, वो भी ऐसे करता है। ठीक, अभी जो जिस मेथड के थ्रू इनको डाला गया है इस लिस्ट में, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है किसी कंपनी का, तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस, करंट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं वो हैं 100। ठीक है, और कंपनी का एक शेयर अभी मार्केट में चल रहा है 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये अभी चल रहा है, अभी 200 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 20,000 रुपये। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ शेयर सही आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ से मिल जाएंगे। और कुछ लोगों को बैलेंस शीट के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। तो अभी आप क्या कीजिए कि अगर आपको किसी कंपनी की अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर अगर जानना है, तो आप गूगल पे आप सर्च कीजिए कंपनी का नाम। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ, फिर उसके आगे कंपनी का नाम। ठीक है, तो आपको कुछ कंपनीज की मिल जाएंगी और कुछ कंपनीज़ की आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको मिल जाती हैं तो उसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उस कंपनी के शेयर प्राइस से जो अभी मार्केट में भी चल रहा हो। ठीक है, तो आपको कंपनी की मार्केट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। वैसे तो आपको, अगर आपको मार्केट वैल्यू पता करनी है किसी कंपनी की, तो आप बस वही डाल दीजिए, कंपनी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, और आगे लिख दीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपको डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर हम जो जिस मेथड के थ्रू जो लिस्ट बनाई जाती है उसका नाम क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो शेयर हैं कंपनी के उनकी, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है प्राइस ऑफ स्टॉक से, मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यू हो जाती है, उस हिसाब से उनको इंडेक्स में डाल दिया जाता है। अब जो इंडेक्स भी होते हैं ना, वो मार्केट वैल्यू के अलावा सेक्टर वाइज भी उनकी लिस्ट बनाई जाती है। जैसे कि अगर मुझे ये जानना हो कि इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी चेक कर लूँगा, या फिर आप बीएससी की जो जो साइट पर वहाँ पर जाएंगे, तो आपको बैंक का जो इंडेक्स है वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और फार्मा, ठीक है,
अगर मुझे जानना हो कि जो मेडिकल सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आप चले जाइए NSE या फिर BSE वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो फार्मा सेक्टर है उसके लिए भी आपको इंडेक्स मिल जाएगा, IT सेक्टर का भी आपको मिल जाएगा, तो हर सेक्टर के आपको आपको वहाँ पर इंडिसेस आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इंडिसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ में अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।